वाली के सिर पे। क्या जी? क्या सेवा जी? महेश जी बोलो जी, परसोत्तम जी बोलो। आलू का क्या रेट है होना चाहिए, आलू का क्या रेट है, वर्तमान में स्थिति क्या है, भविष्य क्या होगा, इसको लेकर आप आलू किसान भाई बड़े चिंतित रहते हैं और इन चिंताओं को, जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज का दौरा करते हैं। आज हम मौजूद हैं एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में, जिसकी एक खासियत है कि यहाँ उच्चतम बोली लगाई जाती है और यहाँ के जो मालिक हैं वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और खुद किसान भी हैं, तो उन्हें किसान से ज़्यादा दर्द रहता है कि उनका किसान का आलू सस्ता नहीं बिकना चाहिए और महंगा बिकना चाहिए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बोली लग रही है, यहाँ पे व्यापारी हैं, किसान हैं और मैनेजर साहब हैं, मालिक हैं, सबसे बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और वॉइस साफ आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्षेत्र के प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज में, जो सीधा आलू किसानों से जुड़ा हुआ है, देखते हैं क्या रहे इस कोल्ड स्टोरेज में आलू के रेट, जैसा बताया वो निकलता है कुछ और। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो किसान भाइयों। मेरे साथ में हर वीडियो की तरह इस वक्त भी कोल्ड स्टोर से सीधे जुड़े हैं किसान, और किसान की विडंबना यह है कि आलू बिक रहा है काफ़ी मद्दा और मध्य में, इनका क्या है हालत और कैसी हो रहा है, क्या कारण है, पूछ लेते हैं हाले बयान किसान से ही, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आलू महंगा होगा या नहीं, या इसी रेट में बिकेगा, क्या है इनका, क्या नाम है? बीरेन सिंह। कहाँ के रहने? एहन गांव, गांव एहन जी। चाचा क्या रेट का बिका है आपका? 451 रुपये। कौन सा है? 3797। 3797 में कौन सा ब्रांड? चंबल है? शुगर फ्री चंबल है। शुगर फ्री है तो क्या कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आलू की बढ़ाई बढ़ोतरी की? अरे भगवान मालिक है क्या होगा। आपने कितने निकाल दिए आज? आज निकाल दिए 500 कट्टे। और अब कितने कट्टे बचे होंगे? अभी 4000 कट्टे बचे हैं। 4000 कट्टे बचे हैं, उनका क्या करेंगे? बिकेंगे। किस रेट में? इसी रेट में क्या अलग अलग रेट में? अरे भगवान मालिक है कितना बिकेगा कोई पता तो ही नहीं है। कुछ रेटों में बढ़ोतरी हुई है? अभी कुछ नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जो 450 पहले बिक रहा था वही 450 वही रेट में बिक रहा है। मेरे साथ में किसान भाइयों एक और किसान मौजूद हैं और इनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी किसानों को थोड़ा जो है आलू अपना धीरे धीरे करके निकालता रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि ज़्यादा आलू के बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आलू की स्थिति गड़बड़ हो जाए, कहीं आपको जो भाव मिल रहा है वो ना मिल पाए और आपको 500 के दो बेचने पड़े। ये कंडीशन व्यापारियों द्वारा बनाई गई है, कोल्ड स्टोर मालिक का इसमें कोई सरोकार नहीं है। जुलाई के माह में आप अभी समाचार सुन रहे होंगे तो समाचारों में आप बाढ़ देख रहे हैं, विभीषिका देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में, और उस बाढ़ और बारिश का ही नतीजा है कि रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ये बढ़ोतरी धीरे धीरे करके आगे उच्च स्तर पर पहुँचेगी, जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं, कृषि विभाग बता रहा है कि आलू के रेटों में बढ़ोतरी संभव है, वो भी जुलाई के 15 के बाद। यानी कि पहले तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि बाढ़ से बिहार हो, झारखंड हो, कर्नाटका हो, या जो दलहन तिलहन वाली ज़मीन है जहाँ पर दालें उगाई जाती हैं, जहाँ पर हरी सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं, वो काफ़ी मात्रा में नष्ट हो चुकी हैं। और जब वो नष्ट हो गई हैं तो किसान भाइयों आप जानते हैं कि उसका असर किस पर आएगा? आलू पे आएगा। जब आलू पे असर आएगा तो आलू के आलू की खपत होगी, आलू की खपत होगी तो आलू के दाम भी बढ़ना स्वाभाविक है। इस बात से आप सहमत हो तो लाइक कर दीजिए। हाथरस से हमने जब डाटा एकत्रित किया है तो 35% जनपद हाथरस में विभिन्न कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो चुकी है। जनपद आगरा की बात करें तो वहाँ 40% की निकासी हो चुकी है, और मथुरा की बात करें तो वहाँ तो 45% की निकासी हो गई है। निकासी बेहतरीन स्थिति में चले, लेकिन अलीगढ़ में थोड़ी स्थिति गड़बड़ है। अलीगढ़ में केवल 25% ही कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हुई है। जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद फिरोजाबाद में सेम स्थिति हाथरस की तरह ही है, 35% की वहाँ भी निकासी हो चुकी है। अगर बात करें फरुखाबाद की तो फरुखाबाद में भी सेम कंडीशन है, यानी कि वहाँ 2-3% का ऊपर नीचे है, उसका आंकड़ा अभी पर्याप्त नहीं है, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। छिबरामऊ कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज में भी 45% आलू जो है निकल चुका है। तो आप इस स्थिति से निगाह बना सकते हैं कि आलू के रेट जो है बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की ये मंडियों में जो ये हालत बयां कर रहे हैं, ये आढ़तियों ने इतनी स्थिति खराब कर रखी है, न तो वो व्यापारियों से खरीद रहे हैं ना ही किसानों से खरीद रहे हैं। उनका सीधा सा फंडा है सस्ता आलू खरीद के कोल्ड स्टोरेज में ही रखना, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा हुआ है वो किसान की उसी पे कटेगा बिल पे जो इन्होंने रखा है। इनसे ही वो होगा कि जो कोल्ड स्टोर में आलू है उनका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, एक महीने बाद पेमेंट मिलेगा। तो इसमें किसकी पवारें हो रही है? आढ़तियों की। और कि रेट के कौन निर्धारित करता है? आढ़त निर्धारित करता है। कहाँ निर्धारित करता है? मंडियों में।
में। तो ये पूरा विश्लेषण था। अगर आपको ये कहें कि आप हमारे संभल की बात बताएं तो संभल मैंने बताई दिया। अगर आप मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में ओवरऑल 55% की निकासी इस समय तो हो चुकी है। सहारनपुर में 60% की निकासी हो चुकी है आलू की। तो ये पूरा ओवरऑल है जो आप सुनना चाहते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना निकलेगा, इसमें कितना गया। और रही बात आपको बता दें, पंजाब में सर्वाधिक आलू जो है हसन के लिए कर्नाटक आलू के लिए डिस्पैच कर दिया गया था, तो वहाँ पे जो निकासी है कोल्ड स्टोरेज में वो निकासी है 40%, यानी कि अभी वहाँ पे पिछले साल की अपेक्षा 60% अभी कम है। धैर्य बनाए रखिए, जुलाई के महीने में थोड़ा कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, वो भी बाढ़ के कारण, यानी कि जो देवी आपदा में आती है बाढ़। तो ऐसे में आप आलू किसानों के लिए काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं, जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो अच्छे दिन नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों आपके दिन बहुरने वाले हैं। थोड़ा धैर्य बना के रखें, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। मेरे साथ में एक किसान और मौजूद हैं, पूछ लेते हैं। लेकिन ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है प्यारे किसान भाइयों कि आप किसकी बात को महत्वता देते हैं, व्यापारी की, आढ़त की, या कोल्ड स्टोर मैनेजर मालिक की, क्योंकि वो तो बताएंगे आलू निकालिए। लेकिन हम बता रहे हैं आपको आलू निकालने में अभी कोई बुराई नहीं है, निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो परिवार को खर्चे चलाने के लिए थोड़ा बहुत निकाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके 1000 कट्टे हैं तो 100-200 कट्टे निकाल लीजिए, 800 कट्टे आपके बचे तो उसका अच्छा दाम ले सकते हैं। किसान मौजूद हैं, पूछ लेते हैं। कहाँ के रहने वाले? प्रसाद है, आलू है वो 3000 कट्टा। कहाँ के रहने वाले हैं? सलेमपुर। सलेमपुर के रहने वाले हैं। कितने बीघा आलू किया था आपने? छः एकड़। कितना लागत लगी थी? लागत लगी हमें 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपये। कट्टे कितने निकले? कट्टा निकले हमें 2000 के करीब। 2000 में? तो 2000 में बाकी पे कितना लिया था पट्टे पे? पट्टे पर ना घर कोई गेत है। तो 2000 में तो कितने कट्टे बेच दिए आपने? हमें तो बेच दिए मैंने 450 कट्टा। 450 बेच दिए। क्या रेट के बेच दिए? 500-450। तो इस कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ सही बिक रहा है, अन्य कोल्ड स्टोरेज में जनपद हाथरस के? हाँ, रेट तो लमसम यही बिक रहे हैं सब जगह। आगे कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? तो किसान भाइयों, मेरे साथ में युवा किसान भी मौजूद हैं, युवा किसान से ही पूछ लेते हैं। 2000 कट्टे थे, 1000 रुपये, 1000 कट्टे इन्होंने बेच दिए, आज कितना बेचेंगे या रखा रहने देंगे? ये क्या नाम है? मेरा नाम सुमित चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? यही नगला में सादाबाद। जी भैया, क्या आपने कितने कट्टे बेच दिए? मैंने साहब अब 350 कट्टा बेचे हैं अभी तक। क्या रेट का बेचा है? मैंने तो एक महीना पहले बेची थी 550 रुपया में। और आज कितना बेचा है? आज सर अभी नंबर नहीं आया मेरा, आने वाला है। फिर भी बेचेंगे कि नहीं? हाँ बेचेंगे साहब, एक गाड़ी बेचने का विचार है आज। तो क्या रेट का रहा है? 3700। आज सर 450-550 चल रहा है यहाँ पे। अभी गोली रुकी नहीं है ना? अभी नहीं रुकी सर, गोली नहीं रुकी। जी हाँ जी। तो किसान भाइयों आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा देख लीजिए, बोली लग रही है जैसा कि आप लोग बताते हैं कि सीधा दिखाया कीजिए कि बोली क्या लग रही है, ये हमें जानकारी भी होती है। ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, बोली की शुरुआत हो गई है। ये देखिए आपके सामने साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज में बोली लग रही है और कुछ आलू के सैंपल भी खुल रहे हैं और इसमें ज़्यादातर ये साफ देखा जा रहा है। और आप खुद देख लीजिए, खुद अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आप सीधा सुन लीजिए। तो किसान भाइयों, मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब मौजूद हैं और मैनेजर साहब से पूछ लेते हैं क्या रहे इनके कोल्ड स्टोरेज में दाम और पिछले वर्ष पिछले हफ्ते क्या थे, इस हफ्ते क्या हैं, और भविष्य तो किसी को नहीं पता है। आलू आपका है, बेचिए या फेंकिए, हम तो सिर्फ आपको सूचना देते हैं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज से क्या रहे रेट। आज मैनेजर साहब से पूछ लेते हैं उनके स्टोर में क्या रहे रेट आलू के, क्योंकि हमें बताया गया था कि इस कोल्ड स्टोरेज में अधिकतम जो रेट वो है 3797 के, वो 525 रुपये लगे हैं। पूछ लेते हैं लगे हैं या केवल रूमर अफवाह थी? ये लगभग 500 रुपये के तक रेट रहा है हमारे स्टोर।
सैंतीस सत्तानवे का। और कितना अब तक आलू निकल गया होगा कोल्ड स्टोर? मतलब 10% आलू निकला है। 10% अगर अगर पूरे सादाबाद क्षेत्र की जनपद आते लगभग इतना ही 10 पे, किसी पे 11% है, किसी पे 10% है, किसी में 9% है। ओवरऑल अगर हम अगर आपकी कोल्ड स्टोरेज की बात करें, MS का कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी प्रसिद्ध कोल्ड स्टोरेज है, अन्य कोल्ड स्टोरेज की अपेक्षा आपकी कोल्ड स्टोरेज में बताई गई थी 10 या 20 रुपये एक्स्ट्रा बोली लग जाती है, क्या ये बिल्कुल सही बात है? हाँ सही बात है। तो आज आपके यहाँ 525 बताई थी, आप बता रहे हैं 500? नहीं नहीं, 525 नहीं लगा है, 500 रुपये तक लगा है। 500 तक, तो 450 से 50 रुपये बढ़े हैं, तभी 500 नहीं तो 450 तक तो लगती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 460 तक का आज भी बिका है। 460 रुपये तक आज भी बिका है। कौन सा आलू है जो 500 बिका है? चिप सोना। ये तो चिप्सोना के रेट थे। तो किसान भाई मेरे साथ में मालिक साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है, MS भदौतिया कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सादाबाद जनपद हाथरस में मालिक साहब मौजूद हैं। पूछ लेते हैं क्या उच्चतम रेट रहे हैं, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज जनपद हाथरस में अपना अलग पहचान बनाए हुए है और क्योंकि किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, व्यापारी भी किसानों के साथ हैं, यहाँ पे सब आड़त वालों को ही गाली देते हैं, सब एक हैं किसान के साथ में। पूछ लेते हैं जी, हमारे यहाँ आलू 400 रुपये से और 550 रुपये तक बिक रहा है, एक नंबर VIP आलू 550 रुपये। क्या क्वालिटी के अनुसार है दाम के? क्वालिटी के अनुसार, जैसी क्वालिटी वैसा दाम। तो मोटा आलू कुछ पॉसिबिलिटी दी गई है? कुछ किसान ये कहते हैं कि आलू महंगा होगा, कुछ पॉसिबिलिटी दी? नहीं नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, आलू की निकासी कम है, आलू पिछले साल से स्टॉक ज़्यादा है इस साल। तो आलू किसान, मेरे को तो लगता है किसान भाइयों बेचना चाहिए आलू, बेचना चाहिए। जी जी जी। तो ये एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब थे जिन्होंने साफ कहा है कि वो करें, अगर आपको ये अपना आलू निकालते रहें, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आलू आपका है, किसान भाइयों का है, आलू किसी व्यापारी का नहीं है, किसी आड़त वाले का नहीं है, किसी कोल्ड स्टोर वाले का नहीं है, किसी के दबाव में ना आएँ, आलू अपनी स्वेच्छा से बेचें, मन करे तो बेचें, ना मन करे तो ना बेचें, आलू आपका है। धन्यवाद।